राजनेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जन्मभूमि रहा है। गांव में एक चर्चा आम हो गई है कि देवीलाल की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बीच हुए विभाजन में चौटाला के मतदाताओं को किसका वोट है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का एक गांव जो राजनेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जन्मभूमि रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला की, जहां पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल पलकर बड़े हुए थे। चौटाला गांव की मिट्टी में जनाक्रोश, आंदोलन, विकास, गरीबोत्थान, भूदान की खुशबू बिखरी पड़ी है। इस गांव ने राजनीति के हर रंग देखे हैं। गांव की धरा पर लगे 100 से अधिक पुराने पीपल, बरगद और नीम के पेड़ तमाम आंदोलनों के गवाह रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर प्रदेश के कोने में होने के बावजूद विकास में हाशिए पर नहीं रहा। हाल ही में हाईवे के रूप में गांव को सबसे बड़ी सौगात मिली है। इस नवनिर्मित 6 लेन हाईवे ने गांव की जमीन के भाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस गांव ने देश को चौधरी देवीलाल जैसा जननायक दिया, लेकिन उनका कुनबा अब 4 दलों में बिखर चुका है। 25 मई को किसे सांसद चुने, ये सवाल गांव के 13,000 मतदाताओं के मन को मथ रहा है। वे उलझन और कसमसाहट में हैं। गांव में नागरिक अस्पताल, स्टेडियम, मंडी, बिजली, पानी जैसी तमाम सुविधाएं हैं। इंडोर स्टेडियम, ब्लड बैंक, जलघर निर्माणाधीन है। पर अफसोस इस बात का है कि देवीलाल की सौगातों को सहेजने वाला लाल नहीं है। उनके कुनबे के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहर में बस गए। विशिष्ट मौकों पर ही वो पलटकर देखने आते हैं। अस्पताल में गायनी, सर्जन, एमडी, मेडिसिन, चिकित्सक नहीं है। बिना पानी स्टेडियम की घास झुलस रही है। बिना कोच खेल प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। बस अड्डा खंडहर हो चुका है। गांव चौटाला राजस्थान की सीमा पर बसा है। पंजाब सीमा भी गांव के पास है। दोनों राज्यों से आने वाले नशे ने गांव के युवाओं को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। गांव में थाना बने और पुलिस गश्त बढ़े, तभी नशे पर नकेल संभव है। गांव में इन दिनों प्राणवायु देवता शतायु पीपल की छाव में चौपाल पर चर्चा छिड़ी है। देवीलाल की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बीच हुए विभाजन ने चौटाला के मतदाताओं को उलझन में डाल दिया है। लोग इनेलो और जजपा के एक होने की दुआ करते हैं, लेकिन इसकी संभावना नहीं दिखती। कार्यकर्ता इनेलो, जजपा, बीजेपी या फिर कांग्रेस खेमे वाले नेता के पास जाएं, किसी बारिश के खुलकर समर्थन के सवाल पर देवीलाल के कार्यकर्ता कसमसाहट में हैं। चौपाल पर सबसे ज्यादा चर्चा चेहरे और पार्टी पर है। शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे गौण हैं, लेकिन सामाजिक पेंशन बढ़ाने की चर्चा फिर छिड़ गई है। चौधरी देवीलाल प्रवेश द्वार की सड़क दुरुस्त है, लेकिन माता हर की देवी प्रवेश द्वार की मुख्य सड़क 20 साल से नहीं बनी। गांव में अपनी विरासत के साथ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला उस पुश्तैनी कोठी में रहते हैं जिसमें देवीलाल रहते थे। यहां से अब बीजेपी की राजनीति चलती है। ठीक इसके सामने विधायक अभय सिंह चौटाला की भी कोठी है। कहीं भी अभी चुनावी रंगत देखने को नहीं मिल रही। इस परिवार से जुड़े 5 विधायक हैं, लेकिन इस बार हिसार में उतरे बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कूदे इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी अभय चौटाला से अधिक उम्मीदें हैं। जननायक जनता पार्टी की ओर से हिसार सीट से उम्मीदवार नैना चौटाला से भी बड़ी आस है, लेकिन गांव के लोग फिलहाल असमंजस में हैं कि वो जाएं तो किधर जाएं, वोट किसको करें।